अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज हमारे पास सेट आया है चाइना में शार्क, इसका नाम है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसकी एलसीडी टूटी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी एलसीडी टूटी हुई है। चलें आज हम इसकी एलसीडी न्यू डाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले इसको खोल लेते हैं मुकम्मल सेट को ना, इसकी केसिंग उतार के, ठीक है ना। ये एलसीडी हम उतारेंगे, ये मुकम्मल एलसीडी उतारेंगे, ठीक है ना, आराम आराम से ना, एक सेट से ना। ये देखें, ये उतर गई एलसीडी हमारी, ठीक है ना। जो इसके पॉइंट हैं प्रिंट, वो हम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये अभी इसके हम पॉइंट साफ़ करेंगे। ये पॉइंट अच्छी तरीके से, जो सोल्डर है ना, इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये मुकम्मल साफ़ हो चुका है। ये चेक करें आप। अभी हम एलसीडी उठाएंगे, न्यू एलसीडी, ये मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ। पहले एलसीडी के जितने पॉइंट हैं ये साफ़ कर लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले कली लगी हुई थी, लेकिन कली लगानी भी पड़ती है, जो न्यू एलसीडी होती है उसे कली लगानी पड़ती है, जो सोल्डर होता है ना वो लगाना पड़ता है, ठीक है। इसको मुकम्मल बराबर बैठा के पॉइंट के, और इसको हम लगा देंगे। ये देखें, ये अभी जितने पॉइंट हैं हर पॉइंट के ऊपर हम काविया को लगाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी एलसीडी लग चुकी है। अभी हम चेक करते हैं इसको, डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका। ये देखें दोस्तों, इसका डिस्प्ले आ गया, ये हमारी एलसीडी चेंज हो चुकी है। ये अभी हम इसकी केसिंग फिट करेंगे, ऊपर से बिल्कुल बराबर रख के इसको फिट किया करें, वरना ये एलसीडी आप तोड़ दोगे इसकी। ये देखें, ये हमारा सेट मुकम्मल ओके हो चुका है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।